आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में पार्टी के विधायकों ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की और दिल्ली विधानसभा भंग कर राष्ट्रीय राजधानी में नए सिरे से चुनाव कराने की मांग की है। हम लोग आज दिल्ली के आम आदमी पार्टी के सभी MLAs माननीय राष्ट्रपति जी से मिले और उन्हें बताया कि किस तरह से दिल्ली में सरकार बनने की संभावनाएं 0 हैं। आम आदमी पार्टी, BJP और कांग्रेस 3 पार्टियां हैं। फरवरी के महीने में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, सस्पेंडेड एनिमेशन में रखा गया था। ये उम्मीद थी कि शायद सरकार बन जाए, कोई पार्टी किसी को अगर समर्थन करती है, या वो सारी उम्मीदें आज 4 महीने हो गए, कोई उम्मीद नज़र नहीं आती है। लेकिन पिछले 1 महीने में NDA की सरकार बनी। NDA की सरकार बनने के बाद जैसे पिछले 1 महीने में NDA की सरकार के खिलाफ भाजपा की केंद्र में जो सरकार बनी है उसके खिलाफ, क्योंकि सारी चीज़ों के दाम बढ़ते जा रहे हैं, कीमतें बढ़ती जा रही हैं, महंगाई हो गई है, भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया है, तो जनता में एक गुस्सा पैदा होता जा रहा है। तो अब BJP बौखला गई है बुरी तरह से। BJP नहीं चाहती कि दिल्ली के अंदर चुनाव हों, तो इसीलिए किसी भी हालत में BJP चुनाव टालना चाह रही है। राष्ट्रपति को दिए गए ज्ञापन में आपने आरोप लगाया है कि भाजपा ने पिछले कुछ दिनों में उनके करीब 15 विधायकों से संपर्क किया है। ज्ञापन में केजरीवाल ने कहा है कि वो उन्हें मंत्री पद, संपत्ति और 10 से 20 करोड़ रुपए नकद का लालच दे रहे थे। आप नेता ने कहा, भ्रष्टाचार रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए हैं, अब इससे लोगों में ये उम्मीद जागे कि भविष्य में चीजों को सुधार होगा। वहीं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता मुकेश शर्मा ने कहा कि दिल्ली में चुनाव कभी भी हो, हमें इससे कोई समस्या नहीं है, पर ये हमारी प्राथमिकता नहीं है। ये तो केजरीवाल है जो किसी भी तरीके से राज्य की सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। न्यूज़ पॉइंट ब्यूरो।